विराट कोहली ने टी20 फॉर्मेट में कप्तानी क्यों छोड़ी? वो क्या बात थी जिसकी वजह से विराट कोहली को टी20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का फैसला करना पड़ा? अचानक से कप्तानी छोड़ने के ऐलान ने इस पर बहस छेड़ दी है कि आखिर किन वजहों ने कोहली को इस फैसले के लिए मजबूर किया होगा। कप्तानी छोड़ने का ऐलान करते हुए कोहली ने कहा, वर्ल्ड कप को समझना एक बहुत ही अहम बात है और पिछले 8 से 9 सालों में सभी 3 फॉर्मेट्स में खेलने और पिछले 5 से 6 सालों से नियमित रूप से कप्तानी करने पर काफी वर्कलोड को देखते हुए मुझे लगता है कि टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम की अगुवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए खुद को स्थान देने की जरूरत है। लेकिन कोहली के कप्तानी छोड़ने की कई वजह हो सकती है। नवंबर 2019 से पहले तक वह भले ही टीम इंडिया को खिताबी जीत दिलाने में नाकाम रहे हों, लेकिन उनके बल्ले से रन लगातार निकल रहे थे और शतक भी जड़ रहे थे, लेकिन करीब 22 महीने से उनके बल्ले ने शतक का स्वाद नहीं चखा है। आइए जानते हैं कुछ अहम वजह। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रही थी और इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच भी गई थी। खिताब के प्रबल दावेदार मानी जा रही टीम इंडिया का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला हुआ, लेकिन बारिश से बाधित मुकाबले में 240 रन का लक्ष्य टीम इंडिया हासिल नहीं कर सकी और उसे हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली के कप्तान बनने के बाद वनडे वर्ल्ड कप से पहले साल 2017 में टीम इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने उतरी। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंची और खिताबी जंग में उसका मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होना था, लेकिन 18 जून साल 2017 को हुए खिताबी जंग में टीम इंडिया का प्रदर्शन बिखरा सा नजर आया और पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट पर 338 रन बना डाले। 339 रनों के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया बिखर गई। विराट कोहली लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई शतक नहीं लगा सके हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आखिरी बार नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट टेस्ट में शतक जड़ा था। तब उन्होंने कोलकाता टेस्ट में 136 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन तब से लेकर अब तक उनके बल्ले से क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से एक भी शतक नहीं निकला है। कोरोना संकट के बीच इस साल जून में पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली गई। विराट कोहली की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची और जहां उसका मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम से हुआ। न्यूजीलैंड ने एक तरफा मुकाबला में भारत को 8 विकेट से हरा दिया और इस हार के साथ ही कोहली का आईसीसी खिताब जीतने का सपना तीसरी बार टूट गया। विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग में शुरुआत से ही खेल रहे हैं और साल 2008 से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। डैनियल विटोरी के रिटायरमेंट के बाद कोहली 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान बने, लेकिन वह टीम को अब तक कोई खिताब नहीं दिला सके हैं। साल 2013 में उनकी कप्तानी में आरसीबी 5वें स्थान पर रही थी। 3 साल बाद कोहली की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु साल 2016 के लीग में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन तब खिताब नहीं जीत सकी। कोहली बल्ले से लगातार रन बनाते रहे, लेकिन टीम को खिताब नहीं दिला सके। इसके बाद टीम फिर कभी फाइनल में नहीं पहुंच सकी।